मनीष ने एक ओपन लेटर लिखा है सृष्टि को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली अभी सृष्टि लंदन में, आई थिंक वो हॉलीडेज़ पे हैं, और मैं सृष्टि से अभी इस बारे में कोई हमारी ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं होती, हम बात करते तो वी टॉक लेकिन नो लाइट टॉपिक्स फन टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, वो उनका पर्सनल है। मनीष ने अगर ओपन लेटर लिखा है तो आई थिंक ओपन लेटर से तो बहुत कुछ याद आ जाता है, बहुत कुछ याद आ जाता है हमें, और आई डोंट थिंक सो पब्लिकली इतना कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप था तो इट हैज़ टू बी पर्सनल, अगर एंड भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है, तो मुझे इतना डिटेल नहीं पता इस बारे में, मैंने भी सुना है। सो बहुत सारे एलिगेशन लगाए, उन्होंने कहा कि जब जो हम एक चीज़ बोलेंगे पर्सनली, ये ओपन लेटर क्लोज लेटर ये सब उनको करना नहीं चाहिए, पर हमारा ये पर्सनल है। अगर उनका रिश्ता, अगर उनका रिश्ता भी जब शुरुआत में जब बनना शुरू हुआ था तो ये भी ओपन लेटर लिख के उन्होंने नहीं किया होगा। सीरियसली हमारा एक तो हमारा सृष्टि जी से ऐसे इन टॉपिक्स पे बात नहीं होता है, बात नहीं होता है ये इन टॉपिक्स पे हमारा बात नहीं होता है। लेकिन अगर मनीष उन्होंने अगर ऐसा किया तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, हमारा पर्सनल ये है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उनका रिश्ता शुरू हुआ होगा तो उस समय भी उन्होंने वो लेटर लिख के लोगों को बता के नहीं शुरू किया होगा कि आज से हम लोग नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं, दुनिया वालों लेटर दे रहे हैं, और तो जब जब खत्म हो रहा है तो उसको इतने गंदे तरीके से ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए। खत्म हुआ पब्लिकली किसी पे एलिगेशन लगाना या ऐसी चीज़ें बोलना जो नहीं लगती कानों को अच्छे सुनने में, वो चीज़ बोलना। और सृष्टि को आई नो एज अ पर्सन शी इज़ वेरी नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही केयरिंग लविंग है। आई थिंक वो एक ऐसी हैं जो बिग बॉस से घर के आने के बाद भी सेम है, चेंज नहीं हुई है, वैसे उनका फ्रेंडली नेचर सबके साथ है, शी इज़ वेरी केयरिंग, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं कुछ भी आई मीन आई एम नॉट अ राइट पर्सन एक्चुअली टू टॉक ऑन दिस, सो मे बी, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया तो गलत किया।